Hello everyone. In today's lecture, we are going to continue with chapter number 7 of our history book. And today's topic is the Copernican Revolution. Christians ये मानते थे कि जो human beings हैं वो sinner हैं, पापी हैं. लेकिन उनकी इस theory को जो scientists थे वो बिल्कुल different angle से देखते थे. सबसे ज़्यादा turning point Europe की science में तब आया जब Copernicus ने अपने वर्क्स जो थे वो करने शुरू किए. एंड कॉपरनिकस का ही कंटेम्प्रेरी था मार्टिन लूथर, 1473 से लेकर 1543 तक. मार्टिन लूथर जिसने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है चर्च की वीकनेस को एक्सपोज करने के लिए. क्रिश्चियंस ये मानते थे कि अर्थ जो है वो सिनफुल प्लेस है क्योंकि ह्यूमन बींग्स यहाँ पे रह रहे हैं, वो पाप करते हैं और पाप करने की वजह से जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है पाप का. तो इसी हैवीनेस के कारण जो अर्थ है वो इमोबाइल हो गई है, स्टेबल हो गई है. अर्थ की पोजीशन के बारे में क्लर्जीस ये बताते थे कि यूनिवर्स में बिल्कुल सेंटर में जो अर्थ है वो लोकेटेड है और उसके आसपास बाकी सारी हेवनली बॉडीज मूव करती हैं. कॉपरनिकस ने अपनी थ्योरी जो बताई वो ये थी कि ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ इट रोटेट अराउंड द सन. अब क्रिश्चियंस की थ्योरी और कॉपरनिकस की थ्योरी टोटली क्या है, ऑपोजिट है. अगर हम बात करें कॉपरनिकस के बिलीव्स की तो कॉपरनिकस एक बहुत ही निष्ठावान क्रिश्चियन था जिसको अपने धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था थी. इसी के विश्वास के चलते उसको एक डर भी था कि जब उसकी ये वाली थ्योरी मार्केट में आएगी तो क्लर्जी मैन कैसे रिएक्ट करेंगे, उनके ट्रेडिशनल व्यूज़ के ऊपर क्या असर पड़ेगा कुछ या नहीं पड़ेगा. तो अपनी ये थ्योरी उसने अपने तक ही लिमिटेड रखी और उसकी एक बुक है, एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसका नाम है डी रेवोल्यूशनरी बस, इंग्लिश में हम इसको द रोटेशन बोलते हैं. तो उसने इसको कभी भी अपने लाइफ टाइम में प्रिंट नहीं करवाया. ऑन हिज डेथ बेड ही गेव इट टू हिज फॉलोअर जोकहिम रिहेक्टस. जब वो मरने वाला था, व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई, तो उसने अपनी ये बुक अपने ही एक फॉलोअर जोकहिम रिहेक्टस को सौंप दी. लेकिन इस आइडिया को, इस थ्योरी को अडॉप्ट करने में लोगों को बहुत ज़्यादा समय लगा. तो यूरोप में ये मानते हैं कि नियर अबाउट इट टुक मोर देन हाफ ऑफ अ सेंचुरी कि लोगों ने इन आइडियाज़ को अडॉप्ट किया. एंड द डिफरेंस बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ वाज ब्रिज थ्रू द राइटिंग्स ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स. एस्ट्रोनॉमर्स जिसमें दो मेन नाम आते हैं हमारे, जोहान्स कैपलर और दूसरा नाम आता है गैलीलियो गैलीली. एंड दे हैड सेड दैट दिस अर्थ वाज अ पार्ट ऑफ अ सन सेंटर्ड सिस्टम. दोनों ने यही थ्योरी दी कि जो अर्थ है, दैट अर्थ किसका पार्ट है, सन सेंटर्ड सिस्टम का मींस. एंड जो कैपलर था उसने कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री जो अपनी एक बुक लिखी उसमें अपने इन आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया और जिसमें उसने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया दैट द प्लैनेट्स दे मूव अराउंड द सन और उनकी जो मूवमेंट है वो एक सर्कुलर पाथ पे नहीं है बट इट इज़ इन द एलिप्टिकल मोशन. गैलीलियो कन्फर्म्ड द नोशन ऑफ द डायनामिक वर्ल्ड इन हिज वर्क. तो गैलीलियो ने भी अपने वर्क्स को अपनी एक बुक में, अपने एक मैनोस्क्रिप्ट में लिखा जिसका नाम था मोशन था. एंड दिस रेवोल्यूशन इन साइंस रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स जब न्यूटन ने अपनी ग्रेविटेशन की थ्योरी दी. नेक्स्ट इज रीडिंग द यूनिवर्स. गैलीलियो वंस मार्क्ड दैट द बाइबल दैट लाइट्स द रोड टू हेवन डज नॉट से मच ऑन हाउ द हेवन वर्क्स. बाइबल एक रिलीजियस बुक है, क्रिश्चियंस की होली बुक है. तो गैलीलियो ने कहा कि बाइबल में जिस तरीके से स्वर्ग की बात की जाती है तो उस स्वर्ग को जाने का क्या रास्ता है, किस तरीके से वो स्वर्ग चलता है, इसके बारे में कहीं भी वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है. द वर्क ऑफ दीज थिंकर शोड दैट नॉलेज एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिलीफ वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. तो जो साइंटिस्ट इस पर वर्कआउट कर रहे थे, जो साइंटिस्ट इस थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे कि हेवन और जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनका ये मानना था कि जो नॉलेज है ना वो विश्वास से हटकर है, जिसके चलते उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, नई नई ऑब्जर्वेशंस करनी स्टार्ट करी. वंस दीज साइंटिस्ट हैड शोन द वे इन एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस केम इनटू बीइंग
और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेस्टिगेशंस का ये रिजल्ट निकला कि कुछ न्यू सब्जेक्ट्स हमें सामने देखने को मिले, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने लगी। हिस्टोरियंस वर टू लेबल दिस न्यू अप्रोच, इतिहासकारों ने ये जो एक नया साइंटिफिक चेंज आया मैन की नॉलेज में और साथ के साथ नेचर में, हिस्टोरियंस ने इसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। नेक्स्ट है कि कॉन्सिक्वेंटली इन द माइंड्स ऑफ सेप्टिक्स, सेप्टिक्स मीन्स द वन हु आर ऑलवेज देयर इन अ डाउटफुल सिचुएशन, कि जो बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशंस में रहते थे, या नॉन बिलीवर्स, दोज हु वर नॉट हैविंग एनी बिलीफ इन गॉड, ओके, दे गॉड बिगैन टू बी रीप्लेस्ड बाय नेचर एज द सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो धीरे धीरे करके लोगों के मन का जो संदेह था वो दूर होने लगा, और ये सारी क्रिएशन को गॉड ने की है, इसकी बजाय उन्होंने क्या सोचना शुरू कर दिया कि द क्रिएशन इज़ बाय द नेचर। इवन दोज हु रिटेन देयर फेथ इन गॉड, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंट गॉड हु डज नॉट डायरेक्टली रेगुलेट द एक्ट ऑफ लिविंग इन द मटीरियल वर्ल्ड। कहते कि जैसे जैसे लोगों की थिंकिंग में चेंज आना शुरू हुआ, चर्च का जो उनके ऊपर डोमिनेंस था उसका दी एंड हुआ, तो धीरे धीरे इसका ये रिजल्ट निकला कि लोगों के माइंड में अब एक क्लियर कट पिक्चर सेटअप हो गई थी, और वो ये पिक्चर थी कि उनके लाइफ में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी कुछ न्यू फीचर्स इमर्ज होकर सामने आ रहे हैं, या उनके साथ कुछ भी जो हो रहा है, दैट इज़ नॉट बाय द विल ऑफ द गॉड, इसमें गॉड का रोल कम है और नेचर का रोल ज़्यादा है। सर्च आइडियाज़ फॉर पॉपुलराइज थ्रू द साइंटिफिक सोसाइटीज़, बिकॉज यूरोप में अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ चुकी थी, जिसमें मैन की नॉलेज जो थी वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही थी, एंड उसने अपने इस ज्ञान को एक नए दृष्टिकोण से, एक नए व्यू से इसको देखना शुरू किया था। तो ऑटोमेटिकली ये साइंटिफिक सोसाइटीज़ भी वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सेटअप हुई, ताकि वो लोगों तक अपने नॉलेज को इम्पार्ट कर सकें। ये आइडियाज़ पॉपुलराइज किए साइंटिफिक सोसाइटीज़ ने, और ऐसी ही एक साइंटिफिक सोसाइटीज़ के नेम है यहाँ पे पेरिस अकेडमी, विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1670, एंड द सेकेंड वन इज़ द रॉयल सोसाइटी इन लंदन। It was also set up for the promotion of natural knowledge. It and was formed in 1662, and its basic purpose was to hold lectures and to make the people thinking more scientific rather than religious only. And they have conducted these experiments for public viewing. लोगों को उनके सामने उन्होंने experiments conduct करवाए, ताकि लोग religion को, रिलीजन के साथ साथ अपना जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, उसको भी समझ सकें, बिकॉज साइंस जो है वो हमें हर पर्टिकुलर पॉइंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर देता है। वॉज देयर अ यूरोपियन रेनेसा इन द 14th century? अब हम इस लास्ट कंक्लूजन के टॉपिक में कॉन्सेप्ट ऑफ रेनेसा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि वो ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस जो कभी एंशियंट पीरियड में डेवलप हुए थे, हिस्टोरियंस का ये मानना है कि वो मिडिवियल पीरियड तक आते आते बिल्कुल ही खो गए, ख़त्म हो गए। साथ के साथ वो क्वेश्चंस भी पुट करते हैं कि वॉज द अर्लियर पीरियड, मीन्स द 12th and 13th centuries, अ टाइम ऑफ डार्कनेस, क्या सच में ये एक अंधकार युग था? रीसेंट राइटर्स हुए हैं लाइक, जिसमें नाम आया है पीटर बर्के ऑफ इंग्लैंड का, उन्होंने सजेस्ट किया कि बकरहार्ट ने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर, कुछ ज़्यादा ही एग्जैगरेट किया है द डिफरेंस बिटवीन द एंशियंट पीरियड एंड द मिडिवियल पीरियड, और उन्होंने ये टर्म यूज़ करी रेनेसा, रीबर्थ, मींस इससे पहले क्या कभी क्या डेवलपमेंट ही नहीं हुई? ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन का जो रीबर्थ देखा गया इस टाइम पीरियड में, तो क्या ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के कोई भी हमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स मिडिवियल पीरियड में नज़र नहीं आए? तो कैसे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट इस पीरियड को ये कह सकते हैं कि दैट इट इज़ अ एज ऑफ डार्कनेस? एक मिडिवियल पीरियड में क्रिश्चियंस ने पूरे वर्ल्ड अपने यूरोपियन पीपल को डोमिनेट कर रखा था। तो ऐसी सारी बातों के ऊपर बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, बहस हो रही है, और ये माना जा रहा है कि ये सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई गई हैं। तो स्कॉलर्स इन अर्लियर सेंचुरीज हैड बीन फेमिलियर
विद ग्रीक एंड रोमन कल्चर्स एंड रिलीजन कॉन्टिन्यू टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। तो स्कॉलर्स ने, जो विद्वान हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम पहले अपनी सेंचुरीज़ की बात करें तो ग्रीक रोम एंड रोमन कल्चर जो थे हमारे, उसमें रिलीजन को भी लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। टू कंट्रास्ट, द रेनेसां वॉज अ पीरियड ऑफ डायनामिज्म एंड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी एंड द मिडल एजेस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड अ लैक ऑफ डेवलपमेंट इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन। तो हिस्टोरियंस अपने आप से ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि अगर हम ये कहें कि मॉडर्न युग जो एज है इसकी शुरुआत 15th century में हुई और रेनेसां आया, ये एक बहुत ही ज़्यादा डायनामिक पीरियड था, ये वो पीरियड था जिसमें आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आई, और मिडिवियल एजेस को अगर हम ये बोलें कि दैट देयर वॉज अ लैक ऑफ डेवलपमेंट, और ये कहें कि मिडिवियल एज में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई, सिर्फ एक ही जगह पर फोकस था रिलीजन के ऊपर, तो ये कोई सही बात नहीं है। और हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि जब रेनेसां आया इटली में, तो उसके बहुत सारे एलिमेंट्स, उसके बहुत सारे फीचर्स 12th और 13th century से में भी एसोसिएटेड थे। एंड इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय सम हिस्टोरियंस दैट 9th century में अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में बहुत सारी लिटरेरी और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ उभर कर सामने आ रही थी। द कल्चरल चेंजेस इन यूरोप एट दिस टाइम वर नॉट शेप्ड बाय द क्लासिकल सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस। और उसके बाद ये भी बोला गया कि जो आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी रिकवरी ऑफ रोमन कल्चर डिड क्रिएट अ ग्रेट एडमायरेशन टू ऑफ दैट सिविलाइजेशन। सो जिस तरीके से मॉडर्न एज में हमें ये दिखाया गया कि पुराने कल्चर को रिवाइव किया गया, ये इससे काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई जो शायद डेवलपमेंट्स मॉडर्न एज में भूल चुके थे। अब ये सारा का सारा क्रेडिट, ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आर्कियोलॉजी को लेकर, लिटरेरी को लेकर, तो ये सारा का सारा क्रेडिट जा रहा है यूरोपियंस को। बट हिस्टोरियंस कहते हैं कि एक्चुअल में ये ऐसा नहीं था, ये सारी टेक्नोलॉजीज जो थी, ये सारी जो स्किल्स थी, ये एशिया से मूव होकर ग्रीक एंड रोमन्स के पास पहुंची और ग्रीक्स एंड रोमन्स को इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। साथ में वो ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड हैड बिकम कनेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेड, न्यू सी रूट्स जो थे वो डिस्कवर किए जा रहे थे, नेविगेशन के थ्रू लोग एक दूसरे के कंटेक्ट में आ रहे थे, एंड द पीपल दे वर सेलिंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड वेन दे मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे हैड कैरिड अवे देयर आइडियाज़, देयर थाट्स, देयर नॉलेज विद दैम, एंड दे हैव इंटरचेंज देयर कल्चर्स। फिर सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में इस्लामिक कल्चर का एक्सपेंशन हुआ, मंगोल की जो कॉन्केस्ट थी वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनी हमारा एशिया और नॉर्थ अफ्रीका को एंड यूरोप के साथ कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आगे आते हैं कि नॉट पॉलिटिकली बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड लर्निंग स्किल्स, कि जो कनेक्शन देखने को मिला हमें एशियंस का और यूरोपियंस का, वो बेसिक उसका जो रीज़न था दैट वॉज जस्ट ट्रेडिंग एंड लर्निंग, पॉलिटिकली इसका कोई कनेक्शन नहीं था। कि एंड यूरोपियंस लर्नड नॉट जस्ट फ्रॉम द ग्रीक्स एंड रोमन्स, तो हिस्टोरियंस ही खुले तौर पर कहते हैं कि यूरोपियंस ने ना सिर्फ ग्रीक्स और रोमन से सीखा, कल्चर से सीखा, बल्कि दे हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अरेबिया, फ्रॉम ईरान, फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड चाइना, जिनका उनके टेक्स्ट में कहीं भी कोई भी मेंशन नहीं है। दीज डेट्स वर लर्न नॉट जस्ट फ्रॉम द ग्रीक्स एंड रोमन्स बट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड चाइना, एंड दीज डेट्स वर नॉट एक्नोलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय तक तो यूरोपियंस ने इस बात को मानने से इनकार ही कर दिया था कि वो जितनी भी उनकी नॉलेज है उसको उन्होंने इंडिया से भी लिया है, अरेबिया से भी लिया है, ईरान, सेंट्रल एशिया एंड चाइना, इन सबको तो उन्होंने कुछ कहीं भी मेंशन ही नहीं किया। बिकॉज व्हेन हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड स्टार्टेड टू बी रिटन, हिस्टोरियन सॉ इट यूरोप सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हिस्टोरियंस का यह मानना है कि जब 15th century या उसके बाद वाले टाइम पीरियड का इतिहास लिखना शुरू किया तो यूरोपियंस ने इसको अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, सारा का सारा क्रेडिट अपने डिस्कवरीज का, अपने इन्वेंशंस का यूरोपियंस ही ले गए, और उन्होंने कहीं भी जो नॉलेज दूसरी कंट्री से इम्पार्ट करी उसका कहीं भी मेंशन नहीं किया। एन इम्पॉर्टेंट चेंज दैट डिड हैपन इन दिस पीरियड वॉज दैट ग्रेजुअली द प्राइवेट एंड पब्लिक स्पीयर्स ऑफ लाइफ,
कि एक ह्यूमन बींग की, एक इंडिविजुअल की प्राइवेट लाइफ कैसी है, उसकी पब्लिक लाइफ कैसी है। अब इसमें कहीं ना कहीं सेपरेशन आ गई थी। पब्लिक फील्ड जो है दैट वॉज मेंट द एरिया ऑफ गवर्नमेंट एंड इट वॉज ऑल्सो कनेक्टेड देयर विद द रिलीजन, और प्राइवेट जो था दैट इंक्लूडेड द फैमिली एंड द पर्सनल रिलीजन। इंडिविजुअल हैड अ प्राइवेट एज वेल एज अ पब्लिक रोल। तो माना गया कि एक इंडिविजुअल जो है, जो ह्यूमन बींग है, उसको अपने दो तरीके के रोल प्ले करने हैं, एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ही वॉज नॉट सिंपली अ मेम्बर ऑफ वन ऑफ द थ्री ऑर्डर्स, रिगार्डिंग दिस वी हैव स्टडीड इन द सिक्स्थ चैप्टर, कि वो ये मत सोचे कि मैं एक क्लर्जी हूँ, मैं एक नोबल हूँ या मैं एक पीजेंट हूँ। एंड ही ऑल्सो हैज़ टू बिकम, ही ऑल्सो हैज़ टू प्ले अ डिफरेंट रोल एंड ही हैज़ हिज ओन राइट्स। एन आर्टिस्ट वॉज नॉट जस्ट अ मेम्बर ऑफ अ गिल्ड। अगर कोई पर्सन बाय प्रोफेशनल आर्टिस्ट है तो वो उसका कनेक्शन सिर्फ अपने उस ग्रुप से नहीं है जिसको वो बिलोंग करता है, कि ही हैज़ हिज ओन आइडेंटिटी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ ह्यूमन बींग, उनको ये सारी चीज़ें समझाई गई। एंड इन द 18th सेंचुरी दिस सेंस ऑफ द इंडिविजुअल वुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ पोलिटिकल फॉर्म इन द बिलीव दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैड पोलिटिकल राइट्स। पहले धीरे धीरे करके लोगों ने सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म किया। उस सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करने के बाद द वन हु वर हैविंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स दे केम ओवर देयर एंड दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द पोलिटिकल राइट्स ऑफ द पीपल। कुछ और भी हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली, दैट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप दे हैड स्टार्टेड टू हैव देयर सेपरेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और ये पहचान किसके ऊपर आधारित थी? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड यूरोप, यूरोपियन लैंग्वेज के ऊपर ये सारी बेस्ड हुई। अर्लियर देवर यूनाइटेड, अर्लियर जो लोग थे वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, तो कैसे कनेक्टेड थे? बाय द रोमन एम्पायर, ठीक है, देन लैटिन एंड क्रिश्चियनिटी। अब ये धीरे धीरे करके ये सारी जो स्टेट्स थी, जो एम्पायर से, ये डिजॉल्व होने लग गए। दे ऑल केम टू एन एंड एंड ईच यूनाइटेड बाय अ कॉमन लैंग्वेज। अब जो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लग गए थे, उनका उसका मेन कनेक्शन था कॉमन लैंग्वेज, विच हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। थैंक यू।